हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? सो मॉर्निंग हो चुकी है, मैंने नहा लिया है और पता है क्या, आज मेरा मंडे का फास्ट है तो मैंने नहा धो लिया है। सबसे काम वाम हो गया घर का, थोड़ा बहुत पेंडिंग है वो मैं कर लूँगी। और आज महादेव जी का व्रत है और शिवरात्रि भी आने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कल शिवरात्रि है, आने वाली नहीं, कल ही है शिवरात्रि। तो आप लोगों ने तैयारी कर ली क्या शिवरात्रि की? अच्छा, मुझे बताइए आपने क्या तैयारियां करी हैं शिवरात्रि की, कमेंट में प्लीज़ मुझे लिख के बताइएगा, ठीक है? और चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि छुटकू क्या कर रहा है। तो छुटकू ये है, छुटकू सोया पड़ा है अभी, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं बोल रही हूँ नहीं तो उठ जाएगा। ये पूजा हो गई है, आप दर्शन कर सकते हैं मेरे महादेव जी का, माता रानी का, श्री गुरु माँ कालका का। सुबह सुबह पूजा करने में ना एक मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है, मतलब ऐसा लगता है कि बस सब कुछ है ना। तो आप लोग बताइए कि पूजा करना हमारे जीवन में ज़रूरी होता है कि नहीं होता? एक्चुअली यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप दिखावा करो, मंदिर जाओ और मंत्र जाप करो, ये सब करो तभी पूजा होती है, भाई हम तो यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं ये वो। तो क्या क्या आप खुद सोचिए, अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसमें एक अनंत अलग ही एक शांति मिलती है हम लोगों को, ठीक है? तो यहाँ पे मतलब हमारे जो ये समाज है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जो पूजा पाठ करता है उसे वो सोचते हैं ये ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, दिखावा कर रहा है। क्या ये सही बात है? होता है क्या ऐसा? जो भी इंसान कोई पूजा पाठ करता है क्या वो दिखावा कर रहा है? अरे वो अपने लिए कर रहा है। लेकिन कुछ होते हैं ऐसे लोग जो उन्हें दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना होता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेके करते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। ऑलमोस्ट आपकी 50% जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। सीरियसली, ये मैंने अजमाया है। ये देखिए, ये मेरा छुटकू उठ चुका है। और उठते के साथ ही क्या बोलते हो सबसे पहले आप? जल्दी बोल के दिखाओ गाइस को, कालका माई की। जोर से बोलो, जोर से बोलो, इधर देखो। हाँ जी, हाँ जी, कालका माई की एवी ना घबराई दा, बोल जयकारा, एवी ना घबराई दा, हर 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 नमः शिवाय, महादेव बोलो, हर हर। अच्छा अच्छा, हेलो तो कर दो सबको, हेलो तो कर दो भाई, हेलो कर दो, हेलो 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 बोलो सबको। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो बच्चा है ये बिना भजन सुने नहीं सोता है। आप मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं आप करेंगे, ये देखिए, ये विनोद अग्रवाल जी के भजन जब ये सोता है तो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं मोबाइल में या फिर टीवी में, और इनके भजन सुनकर ही ये सोता है। और सुबह भी मतलब 5, 5:30, 6 बजे मैं उठते के साथ ही इनके भजन लगा देती हूँ और इनके भजन सुनकर ही ये सोता रहता है। इनफैक्ट अगर मैं बंद भी कर दूँ ना भजन तो ये उठ के बोलता मम्मा भजन लगा दो। तो ये एक अच्छी हैबिट है, आप मानेंगे ना, ये एक अच्छी हैबिट है। तो इसको हैबिट पड़ चुकी है। हाँ, अब देखो उठ गया है, अब मुझसे बोल रहा है लॉलीपॉप दे दो। इसकी इसकी आदत जो हो गई है ये गंदी चीज़ें खाने की हो गई है, लेकिन अब मैं इसको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। इसकी आदत तभी ये दूर होगी जब ये हम नहीं देंगे, देते रहेंगे तो ये बार बार मांगेगा। ओके सो चलो, अब मैं चलती हूँ, मैं थोड़ा चाय वगैरह पीती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, तब तक आप भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लो। ओके बाय बाय। तो मैं अभी जा रहा हूँ मंदिर, तो आपने देख ही लिया होगा कि मैं बहुत देर से नहीं दिख रहा व्लॉग में क्योंकि मैं जा रहा हूँ मंदिर, तो क्योंकि ये नहा रहा था काफी टाइम से, इसको 1.5 घंटा लगता है नहाने में।
ठीक है। और ये हर मंडे जाता है मंदिर, क्योंकि ना मंडे को और सैटरडे, हमारे लिए मंडे सैटरडे बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि हम इस दिन मंदिर भी जाते हैं और सैटरडे को माँ काली का दिन होता है, तो उस दिन भी हम मंदिर जाते हैं। तो अभी ये मंदिर जा रहा है, फिर वहां से जाके आता है, फिर आपको दिखाते हैं क्या करेगा आपको मिलते। सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं दोबारा वापस आ गई हूँ चाय वाय पी के। अब ये देखो मेरा स्टूडेंट आयुष आया है। वैसे तो सारे जो बच्चे हैं, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, वो शाम को 4:30 बजे आते हैं, लेकिन ये बच्चा है जो, उस बेचारे को स्कूल जाना होता है और इसकी शिफ्ट 12 से 6 की है, तो ये मॉर्निंग में आ जाता है। बोलता है मैम मुझे सुबह पढ़ा दो, शाम को मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो अभी देखो ये हेलो करो आयुष। हेलो, क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? ट्रांसलेशन समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। सो प्लीज टेल मी, इधर देखो, इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर अस और नॉट? स्पीक लाउड, तेज बोलो। इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। वाई, क्यों जरूरी है इंग्लिश? आराम से बोलो, घबराओ मत। इंग्लिश इज गुड। गुड। एंड सेकेंड लैंग्वेज ऑफ आर कंट्री, बोलो बोलो, सेकेंड लैंग्वेज ऑफ आर कंट्री। गुड गुड गुड। हाँ जी, सो ये थोड़ा सा बेचारा घबरा रहा है, अभी थोड़ा सा न्यू है ना, अभी इसको 1 month ही हुआ है, तो अभी थोड़ा सा हेजिटेशन इसकी धीरे धीरे रिमूव होगी, लेकिन डेफिनेटली आई विल बी मेक हिम परफेक्ट इन इंग्लिश। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और उनको भी पढ़ाया है जिन्होंने कभी इंग्लिश पढ़ी ही नहीं थी और लिखी ही नहीं थी, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ उन बच्चों को फोकस करने में जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, और ये बहुत अच्छा हो गया। देखो ये सेंटेंस है अपने आप ही, समझ में आ रहा है ना बेटा? गुड फ्रेंड्स, अब ये देखिए हमारा, ये शाम के डिनर की प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि मेरे को ट्यूशंस पढ़ाना होता है तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये राजमा मैंने बॉईल कर लिए हैं और ये मसाला बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए कितना बढ़िया मसाला बनाया है मैंने। तो अब ये एक्चुअली हमारा सारा जो वुडन का बना हुआ था किचन में, वो वहाँ चला गया न्यू हाउस, तो मुझे नीचे बैठ के खाना बनाना पड़ रहा है। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आई मैनेज भी करना सीखना चाहिए हर चीज़। ये देखिए आज मेरा फास्ट है, तो विदाउट गार्लिक एंड अनियन का मैं बना रही हूँ राजमा। ये प्योर टमाटो जो है, टमाटो और जिंजर की प्योरी है इसमें, और जीरे हींग से तड़का मार के मैंने ये तैयार किया हुआ है। और ये मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब या तो कोई पूजा पाठ होता है या फास्ट होता है, उस टाइम पे अगर हम बिना लहसुन प्याज के खाना बनाते हैं तो इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है वो, कि उसमें कोई नीड ही नहीं होती कि हम इसमें अनियन डालें या गार्लिक डालें, विदाउट अनियन गार्लिक के भी इतना टेस्टी खाना बनता है। और वैसे भी अब शायद अब न्यू हाउस में ठाकुर जी लेके आने हैं मेरे को, मैंने बोला हुआ था कि मैं ठाकुर जी लेके आऊँगी, तो शायद अनियन और गार्लिक भी हम छोड़ देंगे, इसीलिए अब बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि अब जल्दी से हम जाएं और ठाकुर जी को लेके आए, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे हम ठाकुर जी अपने। अब मैंने ये राजमा डाल दिए इसमें टोटली अच्छे से, देखो एक बार आप जब भी बनाएं तो चेक कर लें कि बहुत अच्छे से बॉयल हो जानी चाहिए, देखो नहीं तो ये कच्चे कच्चे अगर रहेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। अब मैं क्या करूँगी इसे अच्छे से पका लूँगी और बस राजमा तैयार हो जाएंगे, इसमें मैं पानी डाल दूंगी। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, बिकॉज आई एम न्यू व्लॉगर, तो जैसे भी मैं कर रही हूँ बस आप मुझे सपोर्ट करो। आप मुझे कोई टिप्स देना चाहते हो टिप्स भी दे सकते हो, और आप मुझे सपोर्ट करोगे तो शायद मैं अपने जो फैमिली है उनके जो ड्रीम्स हैं उन्हें फुलफिल कर पाऊँगी, इसीलिए आप मुझे और मुझे इस लायक बनाएं कि मैं अपनी फैमिली के जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर सकूं। सो इसी के साथ ही मैं आज का जो व्लॉग है वो एंड करती हूँ। होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, और अगर आपको कुछ इसमें ऐड, आप चाहते हैं कि मैं कुछ और ऐड करूँ, कुछ अदर कंटेंट लेके आऊँ, सो यू कैन कमेंट मी। ओके, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो कमेंट। बाय बाय।